कि पूरा खानदान आगे चाह रहा है माशाल्लाह से। तो मैं और मेरे अब्बा जी अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे गए थे एडवेंचर, तो बहुत ही ज्यादा तेज बारिश होगी और मैं फिर बीच में आकर मैं इस टाइम पे साथ भी आ गया। और हमजा भाई अपनी शादी के लिए खुद ही लकड़ियां काट रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, तो ऊपर देखें बादलों ने बसेरा किया हुआ है और मुझे ये मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पहाड़ अभी अगर ये बादल थोड़ा और नीचे आ गए तो पहाड़ छुप जाते हैं। अभी जैसा सामने देखें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा बादलों की वजह से, तो ये मौसम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी हम ये बच्चे कह रहे हैं कहीं जाना है, तो अभी पहले नाश्ता करते हैं। कहाँ पर जाना है? कहीं भी, कट्ठे में चलते हैं। सही सही, अभी देखते हैं, वहाँ अभी बारिश भी हुई है, पानी चल रहा है तेज, तो अभी देखते हैं जरा किधर जाते हैं। पहले नाश्ता कर लें और जरा अपनी हालत दुरुस्त कर लें, उसके बाद आगे कहीं का प्लान करते हैं। कि हम सब ने नाश्ता कर लिया और अब्दुल्ला भाई सबसे लेट उठे हैं, और अभी देखे सबसे लेट नाश्ता कर रही है। देखे हाँ, नाश्ता करके अभी कहीं घूमने जाना, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, यहाँ पे बाहर बैठ खिलकर बारिश के अंदर नाश्ता करते हैं, गाँव के मौसम इंजॉय करते हैं, साथ मजा आ रहा है। अभी नाश्ता करके आऊँ, यहाँ पे एक दरख्त काटा जो बिल्कुल सूख गया था, ये देखें सारे मिल बांट के यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं खाली वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे उसामा भाई, ये हमजा भाई, ये हमजा भाई की शादी की लकड़ियाँ काटी जा रही हैं। और ये हमजा भाई अपनी शादी के लिए खुद ही लकड़ियाँ काट रहे हैं। नाइस हमजा भाई, अभी आ गए यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वालिद साहब भी देखें लकड़ियाँ चीरने के काम में मसरूफ हो गए हैं। और ये हमारे रियाज चचू हैं जो इन सब के सरबरा हैं, यहाँ पे काम करवा रहे हैं जी। अरे ना, लकड़ियाँ काटते रहे हैं, काम करते रहे हैं, तो अभी वहाँ से फ्री हुए हैं जरा, तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं कलसी की तरफ, अबू की बाबा जान के दानके की तरफ। और जो आप जा रहे हैं? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हैं? मसरूफ हूँ। किस चीज में मसरूफ? दोस्तों में बातें करने का। और अभी मैं बाबा के साथ जा रहा हूँ, बाबा के नानके में बाबा के मामू लोग आए हुए हैं, ऊपर जाते हैं वहाँ से आपको व्यू वगैरह दिखाते हैं। नाना भी आए हुए हैं, बाबा के नाना कब्र में। चलें जरा ऊपर जाके आपको व्यू। इस टाइम पे हम कलसी पहुँचे हैं, ये कलसी के घर ही स्टार्ट हो गए हैं, तो नीचे से मामू लोग सारे आ रहे हैं, मेरी वालदा, मेरे बाबा सब आ रहे हैं। तो इस टाइम पे हम कलसी पहुँचे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीनरी में कितना प्यारा लग रहा है गाँव। अभी सामने पहाड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहे, बादलों ने अपना पूरा बसेरा किया हुआ सामने, जब वो साथ नजर आएंगे वो आपको दिखाते हैं। तो इस टाइम पे हम अब्बू के मामू के घर जाते हैं पहले ना। ये देखिए यहाँ पे दरख्त काटा जा रहा है, यहाँ पे मेरे वालिद साहब लगे हुए हैं, अभी थोड़ी सी हमने खुद भी मशक्कत की है इसको काटने में, लेकिन ये दरख्त जो है अखरोट के बड़ी मजबूत लकड़ है। एक दो तीन चार और पाँच बंदे लगे हुए हैं, देखें कितनी देर से। मैं कोई काम नहीं करता। इस टाइम पे एक बजर, और कसम से जो मौसम हुआ है ना फोग वाला, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देखें बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ यार, कसम से। अभी ना हम गली जा सकते हैं, घूमने का मजा ही नहीं है ना इस फोग की वजह से, खुद देख सकते हैं। हम लोग सुबह से कहीं नहीं जा रहे, हमारा प्लान था हम एक जगह उधर हम नहाने जा रहे थे, पर ये फोग आ गई थी इसी वजह से हम रुक गए यार। कसम यार, इस मौसम ने ना सारा कुछ खराब। यहाँ पे ना इतनी तेज बारिश लग चुकी है गाँव में, ये इसकी वजह से हम कहीं भी नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं कितनी तेज बारिश है, और इस टाइम में आपका भाई बारिश के अंदर नहा रहा है, बहुत ही तेज बारिश है। सारे अंदर बैठे हुए हैं, वाटर प्रूफ मोबाइल होने का ये फायदा होता है कि बारिश के अंदर लेके इस तरह निकल जाएंगे। हमने शुक्र किया है बारिश रुकी है, और उसके बाद हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, दूसरे कपड़े पहने, और मौसम भी देखे बिल्कुल साफ हो गया है।
और इस टाइम पे बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ, पहाड़ वगैरह नजर आ रहे हैं और मजा आ रहा है। इसे इतने इतने बादल हो फिर मजा आता है यार, वो ज्यादा धुंध हो जाती है, ज्यादा बादल नीचे आ जाते हैं तो सामने कोई नजर ही नहीं आता, फिर मुझे गाँव में ना बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ये देखें आगे शादी, और ये देखें बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं जरा, और आगे उसामा और हमजा चले गए। तो ये देखें अभी गली में जाके आप लोगों से मिलते हैं जरा। मेरे परदादा परदादी की कब्रें हैं, यहाँ पे भी कब्रें, इधर भी कब्रें थी और कब्रों के निशान आते यहाँ से मिट चुके हैं। और वहाँ पे आगे चेक करें हमारे भाई सब क्या कह रहे हैं, सारे वहाँ पे खड़े हैं, उसामा भाई, माजद चाचू हैं, नमजा भाई हमसे पहले आ गए हैं। तो ये देखें अभी यहाँ से हम आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं इन बादलों का थोड़ी देर का। हाँ इधर से आओ, ता इधर हो, इस साइड से आना। यहाँ से नीचे देखें फुल मौत है, जिसने खुदकुशी करनी हो वो चेक करें। यार प्लान बन गया यहाँ से कट्ठे को जाने का, अभी कट्ठे को जा रहे हैं, फिर ये सारी पार्टी जाएगी, सारे जाएंगे वहाँ पे, चलते हैं अचानक से प्लान बना वहाँ पे नीचे जाएंगे हम, वो सामने से स्कूल नजर आएगा बिल्कुल ही, जाने धुंध ना इस तरफ जाएंगे हम। पूरी फौज है, हम सारे इस टाइम पे जा रहे हैं कट्ठे को, अभी कट्ठे को पहुंच के आपको बताते हैं। थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है, हमारे बच्चे भी हैं तो थोड़ा आराम सुकून से जाएंगे, फिर रास्ते में बिल्कुल खाइयाँ आती हैं एक दो, वो खतरनाक हैं बस, और ये बच्चों का डर होता है ज़रा। चले चलो आगे, शाबाश, एक बड़ा आगे और बाकी दो बड़े पीछे। एक दरमियान में भी होने चाहिए। यार मुझे ना पिक्चर लेने के लिए बुला लिया था, मैं इसलिए वापस चला गया था, वो देखे वो बैठे हुए हैं सारे, हाँ भाई लोग वो सामने, ये मैं सारी अब अकेले जा रहे हैं यहाँ से। ये पानी की आवाज़ चेक करें कितनी ज़्यादा है बारिश की वजह से, अरे भाग भाग के मैं और शादी थक गए, रुक शादी रुक, और ये बहुत ही नीचे खाई है यहाँ से बिल्कुल सीधी। ये देखो आबशार कितनी तेज आबशार जा रही है, ये सिर्फ बारिश की वजह से, वरना ये इस तरह नहीं जा रही होती, सूखा हुआ पानी। यार जंगल के अंदर पहली आबशार हमारी, अब ये पत्थर इसके स्लिप कर रहे हैं, ये चेक करें, एक इसने रास्ता बनाया है, देखें नेकी का काम कमाया है, ये चेक करें पंगोड़ा वाटरफॉल, शाम शाम से आपको लाइव दिखाते हुए, अभी आगे दूसरी पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं वो साफ पानी आगे वाला। अभी देखें जंगल के अंदर से जा रहे हैं हम चलते हुए, यहाँ पे चीते वीते भी होते हैं। मुझे यार अभी बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गया, और वो सारे वो बैठे हुए हैं सामने, चेक करो ये पानी के अंदर नहाने की शुरुआत करने लगे हैं कोई, मेरे ख्याल से ऐसी फील आ रही है मुझे। ये देखो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी आपका भाई पानी में फुल इंजॉय करते हुए, ये हमारी छम वाटरफॉल, हमें यहाँ पे फुल इंजॉय करके पानी के अंदर आराम से बैठ के, बहुत ठंडा पानी था, ठंड भी लग रही थी लेकिन बर्दाश्त कर रहा था, मैं बर्दाश्त करनी चाहिए थोड़ी बहुत ठंड भी, यहाँ से मैं गिरने लगा था, देखे गिरते गिरते बचा था पानी में बैठ के, थोड़ी सी हमने मस्तियाँ वगैरह की। अरे बच्चों के काम देखे, यहाँ पे पानी के अंदर पत्थर रख रहे हैं कि पानी का बहुत तेज़ हो, इनके काम कर कूद देखें। अभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद बस निकलते हैं सीधा घर की तरफ। अभी आपने मुझे भी देखा होगा, मैं वहाँ पर जो बैठा हुआ था बड़े मज़े से, ये हमारे बासित साहब, ये हमजा भाई, इनके साथ सामा शफीक साहब, और यहाँ पे जैन भाई खड़े हैं। काम चेक करो, ये देखो जाते जाते इनके काम चेक करो, ये देखो पहले, बस अभी हम जा रहे हैं वापस, वापसी का रुख करते हैं, ये रास्ता है वापसी का, वो देखें वो मैं आपको कहता खाई है बिल्कुल सीधा नीचे, वहाँ से हम आए हैं उसके ऊपर है चलते हैं, वो स्कूल जहाँ पे हम पहले थे। ओए घर जाते हैं तो वहाँ से घर वाले भी आ गए, देखें अभी हल्की हल्की बारिश भी लगी है, वहाँ से घर वाले भी इंजॉय करने सारे यहाँ पे आ रहे हैं, वो देखें वो सामने से उतर रहे हैं सारे, ये देखें चाचे मामू जितने भी रिश्तेदार हैं उनके बच्चे वगैरह सब आए हुए थे ना,
सब के सब यहाँ पे पहुंच गए थे, बच्चियाँ बच्चे सब। अब शहर देखने वाली, ये देखें आगे से सारे जा रहे हैं लाइन में, पूरी लाइन बनी है दूर दूर तक कि पूरा खानदान आगे जा रहा है माशाल्लाह से। तो मैं और मेरे अब्बा जी अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे गए थे एडवेंचर करते हुए, वो देखें ये वो जो सामने से खाई है बिल्कुल सीधा नीचे, इससे बहुत डर लगता है वो सामने से ख़ास तौर पर चलते हुए। तो अभी बस हम भी जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और मोबाइल में बैटरी रह गई है कम, और घर जाके ज़रा करते हैं व्लॉग एडिट, और आपको जाते जाते दूसरी आबशार की थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। ये चेक करें जी, अभी इस टाइम पे हम आबशार पे आए हैं दूसरी वाली, ये चेक करें इसका पानी, अगर ज़्यादा क्लियर वीडियो देखनी है तो जाके टिकटॉक पे देखिएगा या इंस्टाग्राम रील्स में देखिएगा, और अभी चेक करें। आए हाय हाय क्या पानी है यार, अभी हम यार वापस घर वाले सारे वापस चले गए हैं। चलो चलो इस टाइम पे अभी अभी हम घर वापस आए हैं, और मुझे मिल गए इश्तियाक परदेसी साहब जो सुबह से बिजी थे, क्योंकि इनकी स्कूल में ड्यूटी भी होती है तो काफी बिजी होते हैं। ये देखें इनका माल मवेशी माशाल्लाह से, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी 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 घर पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा थकन थी, और किसी दिन इश्तियाक परदेसी साहब के साथ किसी दिन खुले दिन आएंगे ना, फिर इश्तियाक परदेसी साहब के साथ गाँव की जगह पे घूमेंगे, और इश्तियाक परदेसी साहब पूरे व्लॉग के अंदर बोलेंगे। तो चले आज के यही व्लॉग था हमारा, क्योंकि मोबाइल वगैरह ऑफ हो गए थे, फिर आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।